रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में बृहस्पतिवार को एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में ऑपरेशन गरल की गोष्ठी की गई। इस दौरान सभी थानों में नियुक्त गरल प्रभारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिया गया। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि सभी थानों में नियुक्त गरल प्रभारियों से कच्ची और अवैध शराब पर अब तक कितनी कार्रवाई की गई है उसकी समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसने और सभी थाना क्षेत्रों को अवैध शराब मुक्त करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान आरआई लाइन उमेश दुबे सहित सभी थाना क्षेत्रों के गरल प्रभारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, सभी थाने के नोडल अफसर आए हैं, कौन से थाने बचे हैं? सर बीपी में तो सर ये बात साफ कई सब इंस्पेक्टर होते हैं, हमने पिछले एक साल से मुहिम चला के एक सब इंस्पेक्टर नामित किया है जो स्पेशली कोऑर्डिनेशन करते हैं, पुलिस उसको छुपा रही है चौकी अफसर, तो वो उस अफसर का काम है कि वो हमारे नोडल अफसर को जिला लेवल पर ये सब इंस्पेक्टर बने, इनको बताते हैं या डेस्कटॉप पे या मुझे बताते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर बताते हैं, उससे काफ़ी कंट्रोल हुआ है। तो हर थाने में एक नोडल अफसर है जिसका काम केवल रिकॉर्ड रखना है आबकारी वालों का, कितने हमारे यहाँ ये बन रहे हैं, कितने बनाने वाले हैं, कितने बेचने वाले हैं, ये रिकॉर्ड की कीपिंग करना और लगातार उनको प्रेशर में रखना। ये सारे अफसर यहाँ मौजूद हैं, हर थाने से एक एक अफसर नोडल अफसर है। यहाँ कुछ नोडल अफसर नए भी आए होंगे तो उनके लिए भी यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप नोडल अफसर के कच्ची बनाने वाले, नकली बनाने वाले, दारू कितनी तरह की होती है और अवैध बनाने वाले, तीन तरह की होती है। नकली हो गई जिसमें वो रसायन और स्प्रिट और ये सब मिला देते हैं, कच्ची हो गई जो मोबर से बन रही है, और अवैध वो हो गई जिसमें ड्यूटी नहीं दी जा रही, हरियाणा से आई, इधर से आई, उधर से आई, उसका टैक्स बचाया जा रहा है, उस तरह की वो अवैध हो गई। इसमें फर्क रखिए, आपको पता होना चाहिए आपके एरिए में, आपके थाने में, हर हल्के में कितने लोग इसमें बेचने वाले हैं, देशी शराब के अड्डे कितने हैं। कई बार होता है उसमें देशी शराब का अड्डा एक ही लिया हुआ है, अभी में से एक काउंटर और कहीं खोल के बेचे पड़ा है, ये भी देखा गया है। हमने एक दुकान ली है, दुकान होनी चाहिए यहाँ पर, यहाँ तो दुकान खुली खुली है, छोटा सा काउंटर पे और भी डाल के रखा है और बोर्ड बकायदा लगा दिया कि देशी शराब करने का है। इस तरह की चीजें भी आपने देखनी है, जमा कर दीजिए सबसे। लहन सप्लाई का केवल एक ही नाम है, वो भी राजघाट है, जैसा कि आपको पता ही मासिक समीक्षा हम करते हैं, जो आबकारी और कच्ची शराब वगैरह के जो केसेस होते हैं उसको हमने ऑपरेशन गरल नाम दिया है, जिसके लिए हर थाने में एक नोडल अफसर नियुक्त है। किस थाने में कितनी एफआईआर है, कितनी लगी है, कितने में क्या कार्रवाई हो रही है, आज उसकी समीक्षा की गई। जो शराब के विषय में, जो आबकारी के विषय में जो पुलिस कार्रवाई करती है उसमें किस थाने में कितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कितने और लोगों में पकड़ा जाना, इस पर कड़ा शिकंजा रखा जाए। बरसात के समय जो है नकली शराब, कच्ची शराब का धंधा कई बार जोर पकड़ लेता है, उस पर कठोर कार्रवाई करने के लिए आज की मीटिंग रखी गई है।